ब्रज की जो होली होती है ना उसके तो क्या कहने। और ये रहा शानो। चाहती हूँ दिखता रहे ना क्यों को ये चेहरा तेरा। आज है होली, हमने खेल भी ली, खूब धमाल मचाया। और ब्रज में तो जो होली होती है वो बसंत पंचमी के आसपास ही स्टार्ट हो जाती है। अब वो होली तो बहुत ही भयंकर होती है, बहुत बड़ी होती है, उसका अपना ही एक आनंद होता है। लेकिन मैं कैसे मनाती हूँ होली, आज वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैंने होली कैसे मनाई। तो होली की शुरुआत जो हो जाती है ना, वो एक दिन पहले हो जाती है, क्योंकि होली होता है 2 दिन का त्योहार। और पहले दिन होती है पूजा पाठ और थोड़ा सा और मतलब एक दूसरे को हम गेहूं की जो बाल होती है वो भून के देते हैं, और नेक्स्ट डे खेलते हैं मजे से होली। तो चलिए शुरू करते हैं। होली की शुरुआत होती है मंदिर की सफाई से। मंदिर को वैसे तो मंथली डीप क्लीनिंग मैं करती ही हूँ, लेकिन जब त्योहार होते हैं तब ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। जो इवनिंग का दीपक है वो करण जलाता है, तो कहीं घी के दाग भी लग जाते हैं उससे। और ये तो एक बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि काले दाग जो हैं मंदिर में लग जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआं होता है या जो दीपक का धुआं होता है उनसे ये कालापन आ जाता है। साफ करने का तरीका है, एक ले लीजिए बर्तन धोने वाला जूना, साफ लीजिएगा और इसमें जो बर्तन धोने का बार होता है या लिक्विड होता है उसको थोड़ा सा डाल के हमें मंदिर पर रिगड़ना है, और इसे फोम की साइड से साफ करना है। लेकिन अगर जैसे ज्यादा जिद्दी दाग हो ना, तो उनको मतलब जो दूसरा ग्रीन वाला साइड होता है उससे रगड़ लीजिए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला जिससे कि बहुत इफेक्टिवली हम मंदिर के इस कालेपन को हटा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे आप चाहें तो लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए सोप को, और उसके बाद आप क्लीन करेंगे तो भी ये साफ हो जाता है। गर्म पानी से भी साफ करिए, लेकिन बहुत ज्यादा मत रगड़िएगा, नहीं तो इसकी जो पॉलिश होती है वो खराब होने का डर रहता है। साथ के साथ इसे एक गीली तौलिया से पोंछते रहिए आप। और अगर आपको पॉलिश मंदिर की या किसी भी वुडन चीज की चमकानी है तो उस पे विनेगर और ऑयल को कंबाइन करके वो लगा दीजिए। मंदिर देखिए बिल्कुल चमचमा जाएगा। मैंने भी विनेगर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें मिला के और लगा दिया। मंदिर में मैं बिछाऊंगी कुछ फैब्रिक यानी कि कपड़े, और ये बहुत ही सुंदर येलो कलर के सारे मैचिंग जो है कपड़े हैं, आसन है भगवान जी के, जिन्हें मैं बिछाती हूँ अब, और फिर मंदिर को सजाती हूँ। और जल्दी करना है क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है। पहले मैं मंदिर के लिए वेलवेट के फैब्रिक लेकर आती थी एक ही कलर के, और उनके साइड्स में लेस लगाकर मैं उससे मंदिर को डेकोर किया करती थी। और ये हमेशा एक ही कलर के होते थे जिससे कि एक जैसा बड़ा अच्छा लुक निकल कर आता था मंदिर का। तो इसी तरह से अब की बार मैंने येलो कलर के ये सारे फैब्रिक लिए जिनके की प्रिंट्स अलग अलग हैं, और इससे मंदिर बहुत सुंदर लगने लगा। और अब होली और दिवाली पर तो सारी मूर्तियों को स्नान कराना ज़रूरी ही होता है, तो अब जो जितने भी अब मूर्तियों को स्नान कराने का काम है वो करेंगे करण और अमर। शानू थोड़ा पूजा कम करता है, तो करण ने बजरंग बली को नहला दिया है और अब एक के बाद एक करके सारे भगवान जी नहाएंगे। और अब मैं आपके साथ ना एक बड़ी अच्छी सी चीज शेयर कर रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी खाना। मैं काफी टाइम से वाव लाइफ साइंस का ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, और ये जो है ना बिल्कुल फ्रेश और रॉ कोकोनट मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, और इट्स रिच इन लॉरिक एसिड जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल कोकोनट से। और इसमें जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये रिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में, फैटी एसिड्स में और विटामिन ई में। इसके बहुत ढेर सारे या मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे ये सपोर्ट करता है बोन और ज्वाइंट हेल्थ में, इसके साथ ये हेल्प करता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है विच इज HDL, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसमें है 100% मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
और इसको तो आप ना बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो। आप इसको ओरल हाइजीन के लिए यूज कर सकते हो, जस्ट टेक 1 टेबलस्पून ऑफ दिस इन योर माउथ एंड इसको अच्छे से मुंह में घुमाते रहो 2 से 3 मिनट तक एंड देन स्पिट इट। ये आपको बैड ब्रेथ एंड कैविटीज से बचाता है एंड ओरल हाइजीन का ध्यान रखता है। इसको आप हेयर केयर के लिए यूज कर सकते हो, सिंपली थोड़ा सा ऑयल लेकर जेंटली मसाज कर सकते हैं अपने स्कैल्प और रूट्स पर और उसके बाद इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा ज्यादा के लिए भी, और वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से बाद में। ये हेल्प करता है आपको डैंड्रफ से बचाने में और शाइन ऐड करता है हेयर में और आपके हेयर को स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बनाता है। आप इसको ना मॉइस्चराइजर की तरीके से भी यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा आप इसको लीजिए और उसके बाद अपने स्किन पे लगा लीजिए, आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज रहेगी। आप इस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का 1 टेबलस्पून अपनी ड्रिंक्स में भी मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हो, लाइक कॉफी, टी और स्मूदी। ये आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसको आप कुकिंग में भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और 100% ट्रांसफैट फ्री है। आप भी ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो और हाँ, वाओ की सेल लाइव हो चुकी है उनके हेल्थ, फिटनेस, स्किन और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स पर। आप उसे अवेल कर सकते हो, इस ऑफर को यूज करिए कोड वाओ उनकी वेबसाइट buywow.in पर। छोटी होली वाले दिन होती है पूजा, जिसमें कि अलग अलग तरीके के बहुत ढेर सारी डिशेस बनती हैं, पकवान बनते हैं, और इसी दिन होती है देवी देवताओं की पूजा, जो घर के कुल देवता होते हैं या देवियां होती हैं उन सबकी पूजा। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी और मैं इनको बिल्कुल कंटिन्यूसली बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करती हूँ। छोटी होली वाले दिन बनाती हूँ बिल्कुल देवताओं के लिए खाना और ये बगैर प्याज और लहसुन का बनता है। नहा के और किचन को धोकर ही ये सारा खाना मैं बनाती हूँ और अग्यारी करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें बताती है, जिसको कि हमें फॉलो करना चाहिए, और मेरा इन सारी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि हमें अपनी संस्कृति को हेज के रखना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हम ही इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर ये आगे हमारी जनरेशन इनको कैसे फॉलो करेगी। जब कभी भी ये पूजा का काम होता है तो बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं इसमें। हाँ, शानू अभी छोटा है तो थोड़ा वो आलस कर जाता है, और इन सारी चीज़ों के लिए जो भी तैयारी करनी होती है वो करण या अमर लगकर करते हैं, पूजा की जो तैयारी होती है, और वो ही इस पूजा को करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जड़ों को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक जड़ वाला पेड़ जो होता है वो एक कटे हुए पेड़ से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल इसी तरीके से जितना हो पाता है मैं फॉलो करती हूं। तो आज मैंने बहुत ढेर सारी चीजें बनाई और होली की तैयारी तो मेरी काफी दिनों से चल रही थी, और बच्चों को भी लगता है ना जब कोई त्योहार आता है कि माँ आप कुछ बहुत सारी चीजें बनाएंगी। तो अब आता है पूजा का नंबर। ये रहा चीकू और ये रहा शानू। चलो भगवान जी का खाना लेकर जाओ ऊपर। चलो चलो चीकू, तुम कब तक सोते रहोगे? हो बेटी, कब तक सोते रहोगे तुम? शानू, ये देवताओं वाली लेके जाओ और करण ठाकुर जी वाली लेके जाएगा। हर जगह अलग अलग ढंग से होली खेली जाती है, जैसे कई जगह फूलों की होली ठाकुर जी के साथ खेलते हैं, और लेकिन मैं तो रंगों की होली ही खेलती हूँ ठाकुर जी के साथ, और उन्हें पूरा भिगो देती हूँ, तो रंग बिरंगे रंग मैंने जो है उनके लिए तैयार कर लिए। शानू, ये पिचकारी कैसे चलेंगी? भगवान जी की कितनी अच्छी है।
पिचकारी भगवान जी की। परिवार के बगैर त्योहार का कोई मजा नहीं रहता, क्योंकि ये त्योहार होते भी इसलिए हैं कि सब लोग इकट्ठे बैठें और कुछ एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। इसीलिए मेरे ख्याल से ये सारे त्योहार जो है ना फसलों से जुड़े हुए हैं, तो तब पैसा भी रहता था, टाइम भी रहता था, बहुत काम भी नहीं करना पड़ता था, इसलिए खाली बैठ कर परिवार के साथ एक अच्छा टाइम बिताया जाता होगा, शायद इसीलिए ये सारे त्योहार होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम सब ने मिलकर तैयारी कर ली ठाकुर जी के को रंग लगाने की, और फिर जो भी सूखा रंग है, गीला रंग है, पिचकारी, उनके लगाएंगे। तो सबसे पहले अमर ने ही होली खेली ठाकुर जी के साथ, और पहले तो हम इतनी होली खेला करते थे, इतनी ज़्यादा मैं होली खेलती थी कि उसके रंग भी नहीं उतरते थे, और जब मुझे जैसे कॉलेज जाना पड़ता था तो मेरे रंग नहीं उतरते थे, तो बड़ा शर्म आती थी कि इतने सारे कलर लगे हुए हैं तो पता नहीं कैसे हम जो है कॉलेज में क्लासेस लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें कम होती चली गई, और मथुरा में तो होली जो होती है कई दिन तक चलती है और कई तरह की अलग अलग होली होती है। ओ चीकू, चीकू, चीकू आओ होली खेलेंगे, चीकू सो रहे हो तुम, होली खेलेंगे, चलो आओ। और ठाकुर जी को होली खेलने के बाद ठाकुर जी के साथ फिर हुआ सबका एक दूसरे को रंग लगाने का सिलसिला शुरू। तो हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, थोड़ा बहुत ही खेल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उमंग तो मेरे अंदर रहती है, मेरा मन करता है ना सबको खूब रंग लगा दूं। थोड़ा बच्चों को त्यौहार में शामिल करना ज़रूरी होता है, नहीं तो धीरे धीरे करके ये सारे त्यौहार ख़त्म होते चले जाएंगे। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में भी आपके साथ कहा था कि देखो जब पहले जब हम छोटे थे ना, जब मैं बिल्कुल छोटी थी, या तब होली दिवाली की उमंग ही अलग होती थी। दिवाली पर ऐसा लगता था पटाखे आएंगे और जब वो बटेंगे तो कहीं हमें कम ना पड़ जाएं, हमें पूरे पटाखे मिलें, और बिल्कुल इसी तरीके से रंगों में भी हम पीछे ना रह जाएं। तो ये सारी उमंगें अब बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को इसमें मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करूँ। और हमारी सोसाइटी में बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा होली खेली, खूब रंग खेला, एक दूसरे को खूब रंग लगाया। ब्रज की जो होली होती है ना उसके तो क्या कहने, अब तो उस भीड़ में जाने से डर लगता है, लेकिन पहले तो मजा आ जाता था उस होली को देखकर। अगर कभी मौका मिला ना तो आपके साथ जरूर पक्का शेयर करूंगी। और फिर नहाने के बाद मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनके जो होली के कपड़े थे वो तो मैंने बाहर ही उनके धोके सुखा दिए, और अब उनको स्नान कराना था। कोई ऐसा विशेष स्नान मैं नहीं कराती हूँ, लेकिन होली ठाकुर जी का एक प्रिय त्यौहार है, इसलिए उनका एक अलग तरीके का बिल्कुल नया सिंगार मैं करती हूँ, उनके नए कपड़े लेकर आती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूजा में मैं उनके लिए करती हूँ। और ये है उनकी एक रंग बिरंगी ड्रेस जो कि बिल्कुल होली को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उनकी जो भी चीज़ें मैं लेकर आई थी वो सब उनको मैंने पहना दी, उसके बाद करी अपनी पूजा। तो देखो इस तरह से एक पूरा त्यौहार हो गया, एक अलग सी लाइफ रही कुछ दिन तक, करीब 8-10 दिन तक खूब खाना बनाया, एक बिल्कुल अलग सा चेंज हो गया। शायद यही त्यौहार हैं और हमें इसीलिए इन्हीं उमंगों के लिए इसको मनाना चाहिए। और होली का सेलिब्रेशन हो गया पूरा, अब मैं करूंगी आराम, और मुझे ना रेस्ट जो करना है एक दिन पूरा मैं रेस्ट करूंगी, मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि जब हम किसी भी फेस्टिवल की तैयारी में लगते हैं ना तो एक थोड़ा सा थकान तो होती ही है। तो मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं पूरा फुल डे कुछ नहीं करूंगी, कोई वीडियो नहीं शूट करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, तो आज भी आराम करूंगी और कल भी मुझे करना है आराम। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं आपको कब दे पाऊंगी, लेकिन जब भी दे पाऊंगी तो आपको जब भी मिलेगा आप होली खेल चुके होंगे। तो दोस्तों हैप्पी होली, शुभ होली, और आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये हो गया होली का सेलिब्रेशन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और चीकू महाराज को तो देख लो कैसे आराम से सो रहे हैं।